हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटेक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों हम लोग सीख रहे हैं कोरल ड्रा एक्स एक्ट और हम लोग का चल रहा है एडवांस सीरीज। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कलर मोड के बारे में। एक्चुअली काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि हम लोग इमेज लगा रहे हैं तो इमेज की प्रिंटिंग परफेक्ट नहीं आ पा रही है, तो हम लोग कैसे क्या करें। और अगर हमें ऑफसेट प्रिंट पे करना है, ऑफसेट प्रिंट मशीन से प्रिंट कराना है, तो इमेज को हम कैसे कन्वर्ट करें, वहां से प्रिंट आउट बेहतर नहीं आ पा रहा है, या फिर किसी भी इमेज का अगर हम स्क्रीन प्रिंटिंग करते हैं तो इमेज को कैसे कन्वर्ट करें ताकि हम स्क्रीन प्रिंटिंग से प्रिंट कर पाए। तो इन्हीं सब मोड के बारे में हम लोग बात करेंगे कि अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं कोई भी इमेज या कोई भी बैनर पोस्टर पर अगर आप इमेज लगाते हैं तो उसके मोड का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसे प्रॉपर तरीके से समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मास्टर बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपलोडिंग इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं कोरल ड्रा पे और समझते हैं मोड्स के बारे में। तो दोस्तों ये रहा कोरल ड्रा एक्सेट और यहां पर आप एक इमेज देख रहे हैं। इस इमेज में जो है हम इस इमेज को चेंज करेंगे, तो पहले हम ये देखते हैं कि इस इमेज का मोड क्या है। तो इसके मोड को देखने के लिए हमें क्या करना होगा, चाहे कोई भी इमेज हो कोई भी साइज हो, पहले हमें ये देखना होगा कि उसके कलर का मोड क्या है, तभी जो है हम प्रॉपर तरीके से प्रिंट आउट के लिए दे सकते हैं। अगर गलत मोड में अगर हम देंगे तो कभी भी प्रिंट आउट आपको बेहतर मिलने वाला नहीं है। तो पहले हम देखते हैं कि इस इमेज का कलर मोड क्या है। तो उसके लिए आपको जाना होगा ऑब्जेक्ट पर, और ऑब्जेक्ट पर जाने के बाद यहां पर आपको ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज नजर आएगा। तो यहां पर एक्चुअली चेक मार्क लगा हुआ है, तो यानी कि ये खुला हुआ है। जब ये चेक मार्क रहेगा तो खुल करके वो प्रॉपर्टी यहां पर ओपन होगी और यहां पर आपको दिखाई देगा। तो ये जो सेंटर वाला ऑप्शन है वो है बिटमैप का ऑप्शन। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी डिटेल्स आपको यहां पर दिखाई देगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहां पर साइज है और उसके बीच में जो है कलर मोड है, 24 बिट कलर आरजीबी है ये। तो आरजीबी चूंकि जब कलर है तो आप इसको प्रिंट के लिए आप जो है नहीं दे सकते। आरजीबी चूंकि हमेशा से बताते हुए आ रहे हैं कि आरजीबी कलर जो होता है हमेशा स्क्रीन पर देखने के लिए होता है, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो चाहे वो कंप्यूटर की स्क्रीन हो। तो अगर आपको किसी भी स्क्रीन पर देखने के लिए जैसे फेसबुक या व्हाट्सएप के लिए अगर आपको बनाना है तो आप जो है उसके लिए आरजीबी यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको प्रिंट करना है तो जैसे मान लीजिए आपको फ्लेक्स मशीन से प्रिंट कराना है, जैसे बड़े बड़े बैनर पोस्टर फ्लेक्स प्रिंटिंग आपको कराना है, तो उसके लिए आपको इस इमेज का मोड चेंज करके CMYK के में रखना होगा। और जो भी कलर आप यूज करेंगे उस बैनर के लिए उसके लिए आप जो है CMYK के कलर यूज करेंगे, जैसा कि स्टार्टिंग से हम लोग बात कर रहे हैं। तो अभी जो यहां पर मौजूद है वो जो है आरजीबी कलर है, तो इसको CMYK के लिए आपको जाना होगा विंडो के अंदर। और यहां पर कलर पैलेट में आने के बाद आप जो है यहां से CMYK के पर क्लिक करेंगे तो यहां पर CMYK के पैलेट आएगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करते हैं सिर्फ इमेज के मोड को चेंज करने के लिए, बाकी तो चीजें हमेशा से ही हम लोग बात करते हुए आ रहे हैं। तो अगर इस इमेज का मोड अगर हमको चेंज करना है आरजीबी से CMYK के कलर में लेकर के जाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए बिल्कुल सिंपल है। हम इसी का डुप्लीकेट करते हैं एक, इसके साइड में मान लीजिए ये रहा इसका डुप्लीकेट। और उसके बाद इसका प्रभाव हम देखते हैं कि CMYK में जब कन्वर्ट होता है तो क्या आता है। अगर आपके स्क्रीन पर इसका प्रभाव नहीं दिखता है तो आप जो इस वीडियो को HD क्वालिटी में देखें तो इसका प्रभाव नजर आएगा, क्योंकि ये जो फर्क पड़ेगा बिल्कुल माइनर फर्क पड़ने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं, इसके लिए करने के लिए आपको जाना होगा बिटमैप मेनू के अंदर, और यहां पर आने के बाद आपको मिलेगा ये मोड मेनू। मोड में जब आगे जाएंगे तो यहां पर आपको नीचे मिल जाता है CMYK के कलर 32 बिट, यही आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही आप देख पा रहे हैं ये थोड़ा डार्क कलर हो गया है। अगर आप आरजीबी मोड में रखते हुए अगर किसी भी फ्लेक्स प्रिंटिंग से अगर आप प्रिंट कराते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो इमेज का कलर होगा वो बहुत ही ज्यादा फेड आएगा, बहुत ही हल्का कलर आएगा। इसलिए जरूरी है कि आप मोड चेंज करें। अगर आप मोड चेंज नहीं करते हैं तो कलर बहुत ही ज्यादा हल्का आ जाएगा। तो एक तो हो गया आरजीबी जो स्क्रीन के लिए, और दूसरा ये जो हो गया आपके फ्लेक्स प्रिंटिंग के लिए CMYK के। उसके बाद आता है कि अगर हम ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए कोई भी बिल बुक वगैरह, छोटा सा हैंडबिल वगैरह अगर हम छापते हैं, मान लीजिए अखबार वगैरह के अंदर छोटा सा हैंडबिल अगर हमें देना होता है अपने दुकान वगैरह के एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो उस वक्त उस पर भी अगर कोई हमें इमेज लगाना है सिंगल
कलर ही हमें छपवाना है सिंगल कलर में, और उस पर भी अगर कोई इमेज चाहिए तो सिंगल कलर अगर ऑफसेट मशीन से प्रिंट कराना है तो उसके लिए मोड अलग होगा, और अगर वहीं पर आपको स्क्रीन प्रिंटिंग से प्रिंट कराना है तो उसके लिए मोड अलग होगा। तो आरजीबी का ही हम जो है यहां पर डुप्लीकेट करते हैं और इसी पर जो है हम समझते हैं। यहां से जो है हम जूम लेकर के आते हैं स्क्रीन पर बिल्कुल भी, और इसे जैसे ये आरजीबी में है इसका मोड जो है चेंज करने के लिए ऑफसेट प्रिंटिंग के लिए आपको जाना होगा बिटमैप पे, मोड पे, और यहां पर ग्रे स्केल 8 बिट पे करना होगा। अब जो है ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है आपके सिंगल कलर ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट करने के लिए, ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अब अगर सिंगल कलर का कोई भी हैंडबिल वगैरह आप जो है प्रिंट कराना चाहते हैं तो वहां पर ये वाला जो है इमेज आप लगा पाएंगे, लेकिन अगर आप वहीं पर अगर स्क्रीन प्रिंटिंग से प्रिंट करना चाहते हैं तो इनमें से कोई सा भी अगर आप स्क्रीन से निकालना चाहेंगे तो स्क्रीन से नहीं निकलेगा, क्योंकि स्क्रीन से जो होता है हमेशा या तो कंप्लीटली फुल कलर आएगा 100% या फिर नहीं आएगा, उसमें कुछ परसेंटेज कम या ज्यादा का खेल नहीं होता है। स्क्रीन प्रिंटिंग में कोई भी कलर कंप्लीटली डीप होता है या फिर नहीं होता है, इसलिए सारे कलर फेल हो जाते हैं, ग्रे स्केल के अंदर भी फेल हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहां से आते हैं, डुप्लीकेट करते हैं आरजीबी को ही और इस पर समझते हैं। इसके लिए जो है आपको जाना होगा बिटमैप पर, और बिटमैप पे जाने के बाद फिर दोबारा उसी मोड पर आना होगा, और ये जो फर्स्ट है ब्लैक एंड व्हाइट 1 बिट, इस पर आपको क्लिक करना होगा, और यहां पर आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे बहुत सारे, और इसके अंदर से कन्वर्सेशन मेथड में से आपको आना पड़ेगा, और फर्स्ट ये लाइन आर्ट पर क्लिक करना होगा। जब लाइन आर्ट पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज या तो 100% वहां पर ब्लैक होगा या तो व्हाइट होगा, बस दो ही मेथड में ये जो है इमेज बनती है। अब इसको कम ज्यादा अगर करना है तो आप यहां से मैनेज करेंगे, कुछ डॉट्स वगैरह कम ज्यादा हो करके ये बढ़ेंगे, तो यहां से आप मैनेज कर पाएंगे जितना पर आपको सही लगता है, जितने पर भी आपकी इमेज जो है पहचान में आती है उस पर रखने के बाद जो है आप यहां से कंप्लीट करने के बाद ओके करेंगे, वो इमेज उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। अब जो है आप इसको जो है लेजर प्रिंट से प्रिंट करने के बाद आप किसी भी कोई भी डिजाइनिंग ऐसी है जो आप स्क्रीन प्रिंटिंग से प्रिंट करने के लिए निकालेंगे वहां पर लगाएंगे तो एग्जैक्टली जो है ये बिल्कुल भी स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए आपके स्क्रीन पर उतर आएगा। तो इस तरीके से दोस्तों मोड्स होता है, आप काफी सारे कमेंट्स कर रहे थे, तो इस तरीके से मोड का ध्यान नहीं देंगे तो प्रॉपर तरीके से आप जो है इमेज का प्रिंट आउट नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये मोड्स आपके समझ में आया होगा, और दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले भाग में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।